दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज हम आपको नियोपार प्लस टैबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं कि इस नियोपार प्लस टैबलेट का प्रयोग हमें कब, क्यों, कैसे करना चाहिए, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है, और कितने उम्र के लोग इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, और यह किस कंपनी द्वारा बनाए। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों जब आप दर्द और बुखार को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तरह तरह की मार्केट से दवा लाते हैं लेकिन फिर भी आपका यह दर्द और बुखार सही नहीं होता, आपका सर दर्द करता है, कमर दर्द करता है, पैर दर्द करता है, इसके साथ साथ आपको बुखार रहता है, आपके सर्दी की वजह से आपको बुखार दर्द बना रहता है, तो उतने समय इस नियोपार प्लस टेबलेट का प्रयोग करके आप अपनी सभी समस्याओं को सही कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट में बहुत सारी दवाएं ऐसी आती हैं कि जिसका प्रयोग आप कर लेते हैं लेकिन उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उतने समय अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, दवा लाके मार्केट से आप यूज कर रहे हैं, तो उतने समय आप इस नियोपार प्लस टेबलेट का प्रयोग करके अपनी दर्द और बुखार की समस्या को आप सही कर सकते हैं। दोस्तों चले जाते हैं कि इस नियोपार प्लस टेबलेट का प्रयोग हमें करना कैसे। दोस्तों इस नियोपार प्लस टेबलेट का प्रयोग आप खाना खाने के बाद एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम, या आवश्यकता के अनुसार जिस तरह आपके शरीर में दर्द बना है उस तरह आप इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस टेबलेट का प्रयोग आप 2 बार से ज्यादा प्रयोग ना करें, और इस टेबलेट का प्रयोग करके आप पुरानी से पुरानी गठिया के दर्द को, सर के दर्द को और आंखों के दर्द को आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों चल जानते हैं कि इस नियोपार प्लस टेबलेट में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाया गया। दोस्तों इस नियोपार प्लस टेबलेट में आपको 2 तरह का इंग्रेडिएंट देखने को मिलेंगे। पहला जो है निमोसुलाइड वह 100 mg मिलाया गया है, वहीं पैरासीटामॉल जो हुआ वह 325 mg मिला करके यह टेबलेट तैयार किया गया जो आपके दर्द और बुखार को बहुत जल्दी ही कंट्रोल करने का काम करता है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस टेबलेट को लेने के बाद क्या कोई साइड इफेक्ट होता है कि नहीं होता। दोस्तों ऐसे तो नियोपार प्लस टेबलेट जो है इसको लेने के बाद सभी के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर आपके शरीर में इस टेबलेट को लेने में कोई भी साइड इफेक्ट या बदलाव देखने को मिल रहा है तो उतने समय इस दवा का प्रयोग ना करें। जैसे अगर आपके शरीर में दाने निकल रहे हैं, खुजली हो रहा है, या लाल लेसे निकल रहे हैं, या चकत्ते निकल रहे हैं, या आपके पेट में दर्द कर रहा है, या आपका मुंह सूख रहा है, या पलटी महसूस हो रहा है, तो उतने समय दवा को बंद करके नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कर लें। दोस्तों चलिए जानते हैं कि यह नियोपार प्लस टेबलेट जो है किस कंपनी द्वारा बनाया गया, इसका प्राइस क्या है, एक स्टीम में कितना टेबलेट आता है। दोस्तों यह नियोपार प्लस टेबलेट जो है यह लिफोर्ड हेल्थ केयर पीवीटी लिमिटेड द्वारा बनाया गया, जो 10 टेबलेट का एक स्टिक आता है, जो लगभग 30 रुपए का आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर नियोपार प्लस नाम बताकर किसे आप ले सकते हैं और अपनी पुरानी से पुरानी दर्द और बुखार की समस्या को सही कर सकते हैं। दोस्तों यह टेबलेट जो है केवल एडल्ट प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों के लिए दवा नहीं बनाई गई। ध्यान रहे कि कोई भी दवा लेने से पहले एक बार नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, सलाह ले ले, उसके बाद ही कोई दवा का प्रयोग करें। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर ना करते वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।